किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव, जो कि बहुत ही फेमस है मुंबई में। और आप जरूर ट्राई करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ एक पैन रखा है और हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। वेंडर्स लोग क्या करते हैं कि हेवी बॉटम के तवे पे ये पुलाव बनाते हैं, लेकिन हमारे घरों में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ पैन में, जो कि बहुत ही यमी बनता है और सेम टेस्ट में भी सेम बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पैन रखा है। अब हम इसमें डाल 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून बटर, फ्लेम को यहाँ मीडियम रखेंगे हम, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, जीरे को फ्राई करेंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे फाइनली चॉप जिंजर। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और उसे फाइनली कट कर लिया था, और अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी फाइनली चॉप ऑनियन। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया था, उसे फाइनली चॉप कर लिया था। इसे सॉटे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, बस हमें 2 मिनट के लिए ही कुक करना है, ताकि हमारा ऑनियन जो है वो ट्रांसल्यूशन हो जाए। और इसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ फ्रेश मटर। तो यहाँ मैंने फ्रेश मटर का यूज किया है, आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज को जो है हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें 2 से 3 फाइनली चॉप किए टमाटर, और यहाँ स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक, ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे ड्राई चिली गार्लिक की पेस्ट बनानी है। उसके लिए मैंने ये ड्राई चिलीज जो है, रेड चिलीज, इनको मैंने गर्म पानी में सोक कर लिया था 10 to 15 मिनट्स के लिए। ये मैं डालूंगी मिक्सी के जार में, और अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की, और इसे ग्राइंड कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये पेस्ट जो है हमारी पुलाव को बनाएगी बहुत ही यमी। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, और इसके साथ ही मैं डालूंगी कैबेज, और अब हम इसमें डालेंगे ये रेड ड्राई और गार्लिक का पेस्ट। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ के डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे, और यहाँ मैं 2 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तवा पुलाव में आलू भी होते हैं और बहुत ही यमी टेस्ट होता है इनका। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड राइस, और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, और थोड़ा सा बटर, और फ्रेश कोरिएंडर,